क्या आपको पता है कि टाइफाइड में एक चीज जहर से भी ज्यादा खतरनाक मानी गई है? लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, उन रोगियों को उसके बारे में पता नहीं है जो उसका सेवन करते चले जाते हैं, जाने में करें, अनजाने में करें, यारी दोस्ती में करें, जैसी भी सिचुएशन में वो करें, बट वो चीज वाकई में पॉइजन है टाइफाइड के मरीजों के लिए। अब पॉइजन कैसे है ये चीज जरा बारीकी से समझिए दोस्तों। जब टाइफाइड हमारी शरीर के अंदर, हमारे हमारी बॉडी के अंदर में बहुत प्रभावी रूप से एक्टिव होता है, टाइफाइड का प्रभाव जो बहुत ज्यादा रहता है जब जिस टाइम पे, और हम एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं, दूसरी तरह की दवाओं का सेवन करते हैं, एक बार ठीक हो गया फिर दोबारा हो जाता है, फिर ठीक हो गया फिर दोबारा हो जाता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके बीच में कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनका टाइफाइड बिगड़ जाता है और काफी लंबे समय तक उनको बना रहता है। तो ऐसे में एक चीज ऐसी है जो जहर जैसा काम करती है। पहली चीज तो दोस्तों ये है कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टाइफाइड जब तक आपका जड़ से ना निकल जाए, आप लस्सी और दही का सेवन भूल के भी मत करिए। और वीडियो के एंड में एक और ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, उसका सेवन तो आपने करना ही नहीं है भैया, वो अगर सेवन कर लिया तो जिंदगी भर टाइफाइड आपके शरीर से नहीं निकल पाएगा। ऐसी वो चीज है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जाते ही टाइफाइड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से समझिए। टाइफाइड के मरीजों के लिए खास एक जानकारी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी। तो दोस्तों पहला हो गया लस्सी और दही, ये पहले नंबर पे आता है जो आपको नहीं सेवन करना है। अब दूसरे नंबर पे यहां पे आता है कि जो लोग घी का सेवन करते हैं, घी के अंदर बहुत ज्यादा फैट होती है, तो घी का सेवन भी जहर से कम नहीं है टाइफाइड के मरीजों के लिए, तो घी का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। तीसरी चीज दोस्तों, जो फ्राइड बिल्कुल डूबा हुआ एकदम तेल में या किसी भी तरह के दूसरे या घी में लगा लीजिए, यानी फ्राइड जितनी भी तरह की चीजें, ऐसी चीजें बिल्कुल जहर के समान होती हैं टाइफाइड में। अब चौथी चीज यहां पे मैं बताना चाहता हूं, देखिए जाने अनजाने में लोग समय के अभाव की वजह से, या फिर कुछ लोग बाहर रेंट पे रहते हैं, अकेले रहते हैं, बनाने का उनका मन नहीं होता है, बीमारी लग गई, टाइफाइड हो गया है, सोचते क्या खाएं, तो ऐसे लोग बाहर गलियों में खाना चालू कर देते हैं, ठेले वाला खाना खाना चालू कर देते हैं। तो ठेले वाले खाने के ऊपर में उनका खाना एक तो हाइजीनिक नहीं होता है, खाना जब हाइजीनिक नहीं है तो बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, और बैड बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो टाइफाइड को और ज्यादा प्रभावी बना देता है वो। तो कभी भी बाहर का खाना मत खाइए, भले आप मूंग की दाल बॉयल करके खा लें, लेकिन बाहर का खाना अवॉइड करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों एक लास्ट में एक ऐसी चीज जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है, टाइफाइड के मरीजों को इस चीज का सेवन जिंदगी भर नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं आपको। जिंदगी भर का मतलब ये है, जब तक आपकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो जाती तब तक आप उसका सेवन मत करिए। और दोस्तों उस चीज का नाम है शराब, क्योंकि शराब हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करती है, शराब हमारे शरीर में जाने के बाद में उस चीज को और ज्यादा एक्टिव कर देती है जो पहले से हमारे शरीर में बैठी है, चाहे वो कोई भी बीमारी है, चाहे वो हमारे को टाइफाइड की प्रॉब्लम है, चाहे डेंगू की प्रॉब्लम है, चाहे मलेरिया की प्रॉब्लम है, चाहे वायरल फीवर है, चाहे दूसरा कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे में ड्रिंक यानी कि अल्कोहल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन करने से वो बीमारी और ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है, और बाद में फिर हमें क्या लगता है कि हमारी ये बीमारी बिगड़ गई है, ठीक होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने मोटे मोटी 4 से 5 चीज़ें आपको बताई हैं कि टाइफाइड में ठीक होने के लिए आपको इन चीज़ों का परहेज करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत जल्द सही होना चाहते हैं तो। नहीं तो एक बार जब टाइफाइड बिगड़ जाता है ना, क्योंकि आंत का रोग होता है, आंत बुखार होता है, आंत जबर भी इसको बोला जाता है, जब ये बिगड़ जाता है तो उसके बाद में फिर इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। और इसकी कमजोरी की अगर मैं बात करूं, अगर आपको 1 साल लगातार टाइफाइड रह गया है तो 3 साल से पहले आप इसकी वीकनेस को दूर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज लेनी पड़ेंगी, बहुत हेल्दी चीजें लेनी पड़ेंगी, अपनी डाइट को पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ महीनों में आप इसको रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इतना जल्दी उसकी कमजोरी को दूर नहीं भगा सकते, इतनी जबरदस्त इसमें कमजोरी आती है। और ऐसी जो लोग अपनी डाइट का ध्यान बाद में भी नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को जिंदगी भर हड्डियों में दर्द,
जोड़ों में दर्द, चलने में प्रॉब्लम, थकान, कमजोरी, भूख ना लगना, पेट के अंदर में हलचल मची रहना, ये ऐसी ऐसी दिक्कतें टाइफाइड के ठीक होने के बाद भी जिंदगी भर परेशान करती हैं। तो इसलिए डाइट का ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीमारी को सही करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, परहेजों का पालन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी दोबारा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।